हे हेलो दोस्तों, टेक जैक में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं जाकिर दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूं एक बजट प्राइस माइक्रोफोन जो है BM800। आप अगर एक यूट्यूबर हो और आप एक बजट माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस में आपको पूरा माइक्रोफोन सेटअप मिल जाते हैं शॉक माउंट, पॉप फिल्टर और स्टैंड के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको थोड़ी देर में डिटेल इसका दिखाने वाले हैं, इसका टेस्ट और इसी में क्यों परचेस किया। तो पहले हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं ये एंटी वाइंड फोम कैप, और ये हमें मिलते हैं कुछ पेपर्स जिसमें इसका स्पेसिफिकेशन और वारंटी कार्ड, लेकिन वारंटी के बारे में अमेजोन पे कुछ बताया नहीं गया। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और जो सेंसिटिविटी है वो है -20 डेसिबल, कम ज्यादा 2 डेसिबल। और जो इसका वजन है वो करीब 350 ग्राम है, और इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो है 150 ओहम, कम ज्यादा 30%। और बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं ये शॉक माउंट, इसे आप स्टैंड पे लगा के रोटेट कर सकते हैं, जिसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। और ये हमें केबल मिलते हैं XLR, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में 3.5mm जैक जो कि गोल्ड प्लेटेड है, और ये स्टूडियो है। और जो माइक्रोफोन साइड जैक है वो भी आपको मेटल में मिल जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल केबल का क्वालिटी हमें काफी अच्छा मिलते हैं। और बॉक्स में हमें मिलते हैं फाइनली ये माइक्रोफोन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का साइड जो है वो बिल्कुल ही स्टील है, और ग्रिल भी स्टील का दिख रहा है। और जो माइक्रोफोन का पूरा बिल्ड है वो बिल्कुल मेटल फिनिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BM800 ब्रांडिंग, और ये काफी वजनदार है, और हाथ में लेने से ये फील होता है ये कोई प्रीमियम माइक्रोफोन है, और देखने में भी लगता है कि ये कोई प्रीमियम माइक्रोफोन है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 1600 रुपीज में ये बिल्ड क्वालिटी में मुझे एक माइक्रोफोन मिल जाएगा। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी तो इसका बहुत ही बढ़िया है, और हाथ में लेने से भी ये काफी हेवी लगते हैं, लेकिन इसका असलियत हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे। और ये रहा पॉप फिल्टर, इसमें कुछ देखने का नहीं है, ये ज्यादातर सेम ही होते हैं। और ये रहा न्यूयॉर्क का स्टैंड, ये तो आपको दो पार्ट में मिलते हैं, आप एक को पहले टेबल में अपने सेट कर लेंगे, उसके बाद ये माइक्रोफोन स्टैंड उसमें पुश करके उसे टाइट कर देंगे, और ये बिल्कुल ही पूरा आपको मेटल फिनिश में मिल जाते हैं। और आपको तो मालूम ही है जो माइक्रोफोन बूम स्टैंड है वो आप किधर भी रोटेट कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इसका यही फायदा है। लेकिन ओवरऑल जो ये बूम स्टैंड का बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से गए तो ये चल जाते हैं। आप अगर थोड़ा और इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो इससे भी बढ़िया क्वालिटी का आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसे फटाफट से सेटअप कर लेते हैं और आपको साउंड क्वालिटी का सैंपल सुनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम माइक्रोफोन का 3.5mm जैक मेरा डेस्कटॉप पे रियर पैनल पिंक पे लगा चुका हूं, और अब हम टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर चुप रहेंगे, और ये कितना नॉइस पिक करते हैं ये आप सुन लीजिए। और इसे मैं किसी भी ऑडियो सॉफ्टवेयर या फिर ऑडियोसिटी से एडिट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, अभी मेरा माइक्रोफोन से मेरा पॉप फिल्टर का दूरी करीब 1.5 इंच है, और मेरा फेस पॉप फिल्टर से करीब 6 इंच दूरी पर है। और दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं BM800 माइक्रोफोन का साउंड, जो कि मैंने इसे किसी भी ऑडियो सॉफ्टवेयर से एडिट नहीं किया हुआ है, और इसका नॉइज भी रिमूव नहीं किया है, और किसी भी ऑडियो इफेक्ट इसमें नहीं डाला है। और दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं BM800 माइक्रोफोन का साउंड, जो कि मैंने इसे ऑडियोसिटी से एडिट किया हुआ है, इसका नॉइज भी रिमूव किया है, और इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट ऐड किया है। तो दोस्तों, अभी मेरा माइक्रोफोन से मेरा पॉप फिल्टर का दूरी 1.5 इंच है, लेकिन पॉप फिल्टर से मेरा फेस का दूरी करीब 1 फीट है, और मैं इस ऑडियो को बिल्कुल ही ऑडियोसिटी से एडिट किया हुआ हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोफोन साउंड कैसा पिक करते हैं और साउंड क्वालिटी कैसा होते हैं। और दोस्तों, इसमें साउंड क्वालिटी और भी इम्प्रूव होगा आप अगर 48V फैंटम पावर के साथ इसे प्लग इन करते हैं। और आप अगर इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूर से USB साउंड कार्ड परचेस करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका डेस्कटॉप में अगर साउंड और भी आपको इम्प्रूव करना है तो भी आप ये USB साउंड कार्ड परचेस कर सकते हैं, इसके जरिए साउंड थोड़ा बूस्ट हो जाएंगे।
तो दोस्तों आप ये तीन आइटम अलग अलग भी परचेस कर सकते हैं। एक माइक्रोफोन जो शॉक माउंट के साथ आते हैं, और जो है स्टैंड और पॉप फिल्टर। और दोस्तों आपको कहना चाहूंगा ये मैं क्यों परचेस किया, क्योंकि बजट माइक्रोफोन बोले तो ब्लू स्नोबॉल बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है, लेकिन जो ब्लू स्नोबॉल कंप्लीट सेटअप का प्राइस है वो करीब इस सेटअप से डबल है, तो तब मैंने इसे लेने का डिसाइड किया है। और अमेजोन पे इसका रेटिंग काफी अच्छा है, तो आप अगर थोड़ा और भी अपने बजट बढ़ा सकते हैं तो आप जरूर से ब्लू स्नोबॉल की तरफ जाइए, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है। तो ओवरऑल माइक्रोफोन का जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें मैं 10 में से 9 देने वाला हूं, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है उसको मैं 10 में से 7 देने वाला हूं। और जो माइक्रोफोन का बूम स्टैंड है उसको मैं 10 में से 5 देने वाला हूं, और जो पॉप फिल्टर है वो तो 10 में से 8 ले लेगा ही मेरे से। और आप अगर इस माइक्रोफोन को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जरूर से लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।